Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Fashion Design with Pradut. If you are new to my channel, then subscribe to my channel and press the bell icon. ताकि जब भी ऐसे फैशन रिलेटेड की वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ आफ्टर एडमिशन इन फैशन डिजाइनिंग विच सब्जेक्ट विल यू लर्न फर्स्ट. तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एंड सब्जेक्ट में क्या क्या है उसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में एडमिशन के बाद पहले जो 7 और 6 मंथ में क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया जाता है. किसी भी कोर्स में आपको बेसिक लेवल में आप क्या क्या सीखोगे, आप लोगों के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जाएगा कॉलेज में, उसके ऊपर ही आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ. इसीलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. वीडियो को स्किप ना करके पूरी तरीके से देखिए. तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ. फर्स्टली बात कर लेते हैं टेक्सटाइल क्लास में आप क्या क्या सीखोगे. फैशन डिज़ाइनिंग में टेक्सटाइल का भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टेक्सटाइल में जैसे कि सबसे पहले आप लोग सीखोगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइनिंग, जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होता है. फैशन डिज़ाइनिंग में एलिमेंट्स के थ्रू एंड एलिमेंट्स की वजह से ही डिज़ाइनिंग को क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइनिंग को डेवलप्ड किया जाता है. लाइक एलिमेंट में आपका शेप होता है, लाइंस होता है, डॉट्स होता है, वैल्यू होता है, फॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है एलिमेंट्स में. तो हर एक एलिमेंट्स का खुद का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है. लाइक शेप्स में आप लोग सीखोगे कि डिफरेंट शेप्स को फैशन डिज़ाइनिंग में किस तरह से यूज़ किया जाता है, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो एंड बॉक्स शेप हो. तो हर एक शेप को किस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग में आप लोग डेवलप्ड कर सकते हो. वैसे ही लाइंस को किस तरह से डिजाइनिंग में क्रिएट किया जाता है, लाइंस में भी डिफरेंस होता है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस होता है, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होता है और उसके ऊपर भी आप लोग सीखोगे. तो हर एक पॉइंट का बहुत ही डिटेल्स होता है जो आपको बेसिक लेवल पर सिखाया जाएगा. देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डिजाइनिंग के बाद आपका आता है टेक्सचर के बारे में आप लोग सीखोगे. फैशन डिजाइनिंग में टेक्सचर किस तरह से यूज़ होता है और वैल्यू के बारे में सीखोगे, वो सब कुछ इंक्लूड रहता है कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइनिंग में. देन उसके बाद आता है फैशन टर्म के बारे में सीखोगे. काफ़ी सारे हम डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में टर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि रेडी टू वेयर, और उसके साथ साथ काफ़ी कुछ हम लोग यूज़ करते हैं रनवे आउटफिट. तो बहुत सारे टर्म होते हैं कुट्यूर. तो जैसे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म होता है इसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है. मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि फैशन टर्म का चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है. मैंने जिस टाइम फैशन टर्म के ऊपर रिसर्च किया था, तब मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया था जहाँ पर मैंने करीब 20 टर्म के ऊपर रिसर्च किया था. उसके बारे में मैंने डिटेल्स लिखा था, तो उसके वो भी मैं आप लोगों को किसी और दिन शेयर करूँगा उस फाइल को, और टर्म्स के बारे में आप लोगों को सिखाऊँगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में टर्म्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है. देन उसके बाद आता है कलर के बारे में. कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके साथ साथ बहुत ही डिफिकल्ट भी चैप्टर है, क्योंकि कलर के बारे में आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कलर में तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आ जाता है. लाइक कलर में आप कलर व्हील सीखोगे, टिन टोन शेड सीखोगे, उसके साथ साथ कलर स्कीम भी सीखोगे, किस तरह से कलर का यूज़ किया जाता है. लाइक कलर व्हील में आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कलर के बारे में सीखोगे, एंड कलर स्कीम में आप मोनोक्रोमैटिक उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एनालोगस कलर सीखोगे. तो कलर चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर की ज़रूरत होता है आफ्टर एडमिशन इन फैशन डिज़ाइनिंग. तो आपको बहुत कलर लगेगा आपके कॉलेज में. देन उसके बाद आता है चेक्स एंड स्ट्राइप के बारे में. चेक स्ट्राइप प्रिंट ये सब कुछ आता है गारमेंट्स के ऊपर. आप लोग जब गारमेंट्स पहनते हो, जैसा कि मैंने जो गारमेंट्स पहना है ये एक नॉर्मल गारमेंट्स है, बट इस गारमेंट के ऊपर अगर चेक स्ट्राइप को आप कुछ आ जाता है तो उसको कहते हैं चेक्स, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम किया है अपने कॉलेज में. तो चेक्स एंड स्ट्राइप के बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा किस तरह से गारमेंट्स में चेक्स एंड स्ट्राइप को डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट किया जा सकता है. देन उसके बाद आता है कि कलर व्हील, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कलर व्हील आपको सर्कल तरीके से 12 ऑफ कलर के डिज़ाइनिंग करना होगा, जिसमें आप 3 कलर से 12.5 कलर को आप क्रिएट करोगे, जहाँ पर रेड होगा, येलो होगा, रेड ऑरेंज होगा, वायलेट होगा, पर्पल होगा. सभी कलर को आपको 3 प्राइमरी कलर से आपको क्रिएट करना होगा. तो ये आता है टेक्सटाइल क्लास में आपको पहले जो बेसिक से सिखाया जाता है. देन उसके बाद आता है फैशन इलस्ट्रेशन. फैशन इलस्ट्रेशन में जो काम होता है वो फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फैशन इलस्ट्रेशन में पहले तो आप फैशन इलस्ट्रेशन से पहले आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग और किस तरह से पेंसिल्स को
को वो चलाना होता है, जिन लोगों को ड्राइंग नहीं पता उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हम लोगों को ड्राइंग नहीं आता, क्या फैशन डिज़ाइनिंग हमारे लिए सही रहेगा। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लासमेट भी है जो जिन लोगों को ड्राइंग्स नहीं आता बट फिर भी आज का टाइम वो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया अपने ड्राइंग में। तो ड्राइंग में आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग, हैचिंग और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि वर्टिकल डॉट्स, लाइन, ये सब कुछ आपका ड्राइंग में भी होता है। किस तरह से लाइट शेड्स को आप क्रिएट कर सकते हो, डार्क शेड को क्रिएट कर सकते हो, 3D ऑब्जेक्ट ड्राइंग किस तरह से बना सकते हो। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन के आई, हेयर, नोज़। एक एक इलस्ट्रेशन के डिटेल्स में सबसे पहले आप लोगों को सिखाया जाएगा आई, हेयर, नोज़, लिप, उसके बाद बॉडी, फिगर, पोजेस, उसके बाद फुल इलस्ट्रेशन, 9-hit इलस्ट्रेशन, 12-hit इलस्ट्रेशन आप लोग सीखोगे। एक और आप लोग जब सीखोगे आपको A3 जो नोटबुक्स है उसका ज़रूरत होगा। मैं हमेशा A3 नोटबुक के साथ साथ 230 GSM के ऊपर का जो पेज है वो यूज़ करता हूँ। तो फैशन इलस्ट्रेशन में उसके बाद आप लोगों को स्किन रेंडरिंग, फेस रेंडरिंग, उससे पहले छोटा छोटा करके आई, नोज, लिप, सब कुछ रेंडरिंग आप लोगों को सिखाया जाएगा, सब कुछ के कलरिंग आप लोग सीखोगे। देन एक बार में आप फुल इलस्ट्रेशन को कलर करना सीखोगे। देन इलस्ट्रेशन कलर करने के बाद आप लोग पोजेस को कलर करना सीखोगे ड्रॉ करने के बाद। उसके बाद आप लोग फैशन इलस्ट्रेशन के जो गारमेंट्स है, फैब्रिक रेंडरिंग है वो सीखोगे। उसके बाद फैब्रिक रेंडरिंग के बाद तो बहुत सारे प्रिंट आ जाता है, लाइक किस तरह से गारमेंट्स रेंडरिंग में समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, दूसरे जो आउटफिट है सीजन बेसिक आउटफिट किस तरह से इलस्ट्रेशन को दिया जा सकता है। उसके बाद आता है एनिमल प्रिंट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर प्रिंट, टेक्सचर के बारे में आप लोग सीखोगे इलस्ट्रेशन में। तो ये बेसिक सा हो गया इलस्ट्रेशन में। हाँ, उसके बाद सिर्फ वीमेन फैशन इलस्ट्रेशन नहीं, आप लोगों को मेल फैशन इलस्ट्रेशन और किड्स फैशन इलस्ट्रेशन भी सिखाया जाएगा। जितने साल का कोर्स होगा उसमें आप ज़्यादा डिटेल्स में सीखोगे। देन उसके बाद आता है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग में आप लोगों को सबसे पहले तो पैटर्न मेकिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, ये क्या है, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, क्या क्या काम होता है। देन उसके बाद आप लोगों को स्टिचिंग के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, किस तरह से मशीन्स में धागे को पराना होता है, यूज़ किया जाता है। मशीनरी के बारे में आप लोग जानोगे, डमी के बारे में जानोगे, मैनिक्विंस के बारे में आप लोग जानोगे, मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है, पैटर्न कटिंग किस तरह से होता है, कौन से फैब्रिक एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ज़रूरत है। हम लोग तो मसलिन फैब्रिक यूज़ करते हैं। उसके बाद पैटर्न मेकिंग में आप लोग बेसिक पैटर्न कटिंग सीखोगे, जिसमें स्लीव्स, उसके बाद शर्ट, बेसिक स्कर्ट और काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो पैटर्न मेकिंग में आप लोग सीखोगे, जैसे कि गारमेंट्स आप लोग क्रिएट, गारमेंट्स पैटर्न कटिंग करने के बाद आप लोग उसको स्टिचिंग करोगे, किस तरह से स्टिचिंग करोगे एंड स्टिचिंग करने के बाद चेन्स किस तरह से गारमेंट्स को डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट कर सकते हो, गारमेंट्स में जो नेकलाइंस है उसको आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो, उसके बाद स्टाइलिंग किस तरह से आप कर सकते हो, वो भी आप पैटर्न मेकिंग के क्लास में आप सीखोगे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मैंने 3 सब्जेक्ट के ऊपर बात किया, एक पैटर्न मेकिंग, इलस्ट्रेशन और एक टेक्सटाइल। तो फैशन डिज़ाइनिंग में और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग होता है जिसमें आपका कोरल ड्रॉ होता है, इलस्ट्रेशन डेवलपमेंट होता है, वो आपके कोर्स में आगे जाके आप लोगों को सिखाया जाएगा। डिपेंड्स करता है कि आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज किस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा है, किस स्पीड से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन काफ़ी कुछ आप लोगों को इस वीडियो से जानने को मिलेगा। एंड चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। एंड इफ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज मी माई इंस्टाग्राम आईडी। फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अप, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।